क्या आप जानते हैं कि कैसे किसी फ्लाइट कैडेट्स को फाइटर, हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम अलॉट की जाती है? दरअसल AFA में फ्लाइंग ब्रांच के कैडेट्स की स्टेज 1 की ट्रेनिंग के बाद उन्हें डिफरेंट स्ट्रीम अलॉट की जाती है। स्टेज 2 की ट्रेनिंग से पहले फ्लाइट कैडेट्स को अपनी प्रेफरेंस देनी होती है कि वो IAF की किस फ्लाइंग स्ट्रीम में अपना करियर बनाना चाहेगा। पर कैडेट की प्रेफरेंस ही इकलौता पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पर उन्हें डिफरेंट स्ट्रीम्स में डिवाइड किया जाए, बल्कि कैडेट की अब तक की परफॉर्मेंस, अवेलेबल वैकेंसी इन दैट स्ट्रीम और इंस्ट्रक्टर रिकमेंडेशन को भी कंसिडर किया जाता है। इंस्ट्रक्टर्स ने कैडेट के साथ स्टेज 1 की ट्रेनिंग के दौरान काफी टाइम स्पेंड किया होता है और उन्हें इंडिविजुअल कैडेट्स के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पता होते हैं और इस तरह अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस और कैडेट को एनालाइज करके इंस्ट्रक्टर रिकमेंड करते हैं कि पर्टिकुलर किस स्ट्रीम के लिए बेस्ट रहेगा। गेट श्योर सक्सेस इन स्क्रीनिंग विद SSB OIR, अवेलेबल ऑन Amazon।